गाइस इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ माई टीम एलेवन एप्लीकेशन में आप बिल्कुल फ्री में टीम ऐप कैसे बना सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। गाइस मेरा नाम है एसके शर्मा और आप देख रहे हैं एसके टेक टिप्स यूट्यूब चैनल। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। तो चलिए गाइस अगर आपने लाइक कर दिया तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस सबसे पहले आप ओपन कर लीजिए माई टीम एलेवन एप्लीकेशन को। गाइस माई टीम एलेवन एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद गाइस कुछ इस तरह से इसकी होम पेज की इंटरफेस आएगी। इसके बाद गाइस आपको जिस खेल में आपको टीम बनाना है कुछ इस तरह से इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें मैं क्रिकेट को सेलेक्ट कर लेता हूं। इसके बाद गाइस जितने भी मैच होगी कुछ इस तरह से आपको नीचे इस तरह से देखने को मिल जाएगी गाइस, जिसको आप स्क्रॉल डाउन करके आप इसको आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद गाइस आपको जिस मैच में आपको टीम बनाना है गाइस कुछ इस तरह से इसको आप स्क्रॉल डाउन करके और गाइस उस मैच को आप सेलेक्ट कर लीजिए कुछ इस तरह से। गाइस उस मैच को सेलेक्ट करने के बाद गाइस कुछ इस तरह से आ जाएगी। इसके बाद गाइस आपको क्या करना है, बिल्कुल फ्री में टीम बनाने के लिए बिना एक रुपये इसमें आप ऐड किए टीम बनाने के लिए आपको गाइस क्या करना है, नीचे क्रिएट टीम इसके ऊपर टैप करना है। गाइस क्रिएट टीम के ऊपर टैप करने के बाद गाइस इसमें आपको टीम बनाना है। गाइस टीम बनाने के लिए गाइस जिसमें आप एक से चार विकेट कीपर को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद गाइस आप बैटर इसके ऊपर टैप कीजिए। इसके ऊपर गाइस टैप करने के बाद गाइस जिसमें आप दो से छः बैटर को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद गाइस आप ऑलराउंडर इसके ऊपर टैप कीजिए। गाइस ऑलराउंडर इसके ऊपर टैप करने के बाद इसमें आप एक से छः ऑलराउंडर को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद गाइस आप बॉलर इसके ऊपर टैप कीजिए। इसके ऊपर गाइस टैप करने के बाद गाइस इसमें आप दो से छः बॉलर को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद गाइस जैसे आप 11 प्लेयर को सेलेक्ट कर लेते हैं इसके बाद गाइस आपको नीचे कुछ इस तरह से एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगी नेक्स्ट की। इसके बाद आप नेक्स्ट इसके ऊपर टैप कीजिए। गाइस नेक्स्ट के ऊपर टैप करने के बाद गाइस कुछ इस तरह से आएगी। इसके बाद गाइस इसमें आपको कैप्टन और वॉइस कैप्टन सेलेक्ट करना है। गाइस कैप्टन सेलेक्ट करने के लिए सी इसके ऊपर टैप करना है। इसके बाद गाइस आपको वॉइस कैप्टन सेलेक्ट करने के लिए बी सी इसके ऊपर टैप करना है। इसके बाद गाइस आपको नीचे सेव की एक ऑप्शन देखने को मिलेगी। इसके बाद गाइस सेव इसके ऊपर टैप करना है। इसके ऊपर गाइस टैप करने के बाद गाइस आपकी टीम सक्सेसफुल बन जाए। इसके बाद गाइस जिसमें आपको कॉन्टेस्ट में ज्वाइन होना है गाइस कॉन्टेस्ट में ज्वाइन होने के लिए आपको बहुत सारी कॉन्टेस्ट कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगी नीचे। इसको आप स्क्रॉल डाउन करके इसको आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद गाइस जैसे कि आपको इस कॉन्टेस्ट में ज्वाइन होना है बिल्कुल फ्री में तो गाइस इसके ऊपर आप टैप कीजिए। इसके ऊपर गाइस टैप करने के बाद गाइस कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद गाइस आपको नीचे कुछ इस तरह से एक ऑप्शन देखने को मिलेगी ज्वाइन की। इसके बाद आप ज्वाइन नाउ इसके ऊपर टैप कीजिए। गाइस ज्वाइन नाउ इसके ऊपर टैप करने के बाद गाइस इसमें आपको टीम को सेलेक्ट करना है कुछ इस तरह से। गाइस टीम को सेलेक्ट करने के बाद इसमें आपको नीचे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे ज्वाइन कॉन्टेस्ट, तो आप इसके ऊपर टैप कर दीजिए। गाइस इसके ऊपर टैप करने के बाद कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगी कि इसमें आपको कितने रुपये पे करना पड़ेगा। ज्वाइनिंग अमाउंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इसके बाद गाइस आपको क्या करना है, ज्वाइन कॉन्टेस्ट इसके ऊपर टैप करना है। इसके बाद गाइस क्या होगा कि आपकी टीम जो आपको साइनिंग बोनस मिला था गाइस उसी से ज्वाइन हो जाएगी। और गाइस आप बिल्कुल फ्री में आप बोनस कैसे पा सकते हैं माई टीम एलेवन एप्लीकेशन में गाइस, इस वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।